हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी को मिले बहुमत के बाद आज बुधवार को दिल्ली पहुंचे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, इसके बाद वो हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले, फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली भी मौजूद रहे। सैनी ने कहा कि प्रदेश में नया मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के बारे में संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। दिल्ली में बड़ौली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहां सीएम चेहरा और शपथ पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सब दशहरे के बाद तय किया जाएगा। सीएम चुनने के लिए दशहरे के बाद मीटिंग होगी। लेने के लिए आया था मैं और बधाई दी है। आदरणीय राजनाथ जी ने हमें संभाला है, पूरी पार्टी की उच्च लीडरशिप ने हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आकर के हरियाणा के लोगों को संभाला है और एक माहौल खड़ा हुआ है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई। सर, इतने प्रचंड जीत की वजह क्या मानते हैं? लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारा आदरणीय मोदी जी के जो काम है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो लाभ नीचे ग्राउंड के ऊपर मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण। सर, कब शपथ का क्या रहेगा? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। आज आप रहेंगे? मैं यही नहीं, शाम तक ही। अमित शाह जी से मुलाकात? शाम तक यही। हाँ जी, करेंगे।